नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल को शुरू किया है, जिसके तहत जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी केरल या डी हरियाणा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। भागलपुर में नेताओं के शोरगुल से वोटरों को मिली राहत, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में 3 नवम्बर को होगा मतदान। भागलपुर में दूसरे चरण में होने वाले 5 विधानसभा में चुनावी प्रचार रविवार की संध्या थम गया है। इसके साथ ही अब किसी भी प्रकार से चुनावी रैली, जनसभा और अन्य प्रकार का प्रचार प्रसार पर रोक लग गया है। वहीं इस संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला चुनाव आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर, बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने किया रोड शो। भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए विधानसभा इलाके में रोड शो करने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा उतरी। हिंदी और साउथ के कई फिल्मों में अभिनय कर रही नेहा को देखने भागलपुर के युवा उत्साहित दिखे। रोड शो में नेहा के साथ उसके पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी साथ साथ दिखे। नेहा का रोड शो कचहरी चौक से शुरू होकर बुनकर के मोहल्ले होते हुए दक्षिण के मिर्जान हाट मोहल्ले तक रही। पूरे रोड शो के दौरान कांग्रेस के प्रति फिलहाल काफी अधिक संख्या में समर्थन दिखा। भागलपुर, चुनाव आयोग ने मुंगेर घटना के बाद बिहपुर घटना का लिया संज्ञान, भागलपुर कमिश्नर को जांच के आदेश। चुनाव आयोग ने मुंगेर घटना के बाद भागलपुर नौगछिया में हुई घटना पर संज्ञान लिया है। आयोग ने 24 अक्टूबर 2020 को थाना बिहपुर में हुई घटना की जांच का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर को जांच का आदेश दिया है। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त 1 सप्ताह के अंदर पूरी घटना पर अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को समर्पित करेंगे। बताते चलें कि 24 अक्टूबर को बिहपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था। एक युवक को थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने रविवार को भारी हंगामा किया था। बिहपुर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस वालों पर हत्याकार। नवगछिया के रंगरामे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, जंगल राज के युवराज बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाना चाह रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार की दोपहर को गोपालपुर विधानसभा के रंगरा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एनडीए की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्ष पूर्व पति पत्नी की सरकार में सूबे में जंगल राज कायम हो गया था। श्री चौबे ने तेजस्वी यादव का बगैर नाम लिए ही तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज के युवराज राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ कर बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाने का इरादा लेकर चुनावी दंगल में है। दोबारा कई राज्यों में, दिल्ली में, बिहार में भी थोड़ा कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ रहा। ये भीषण प्रकोप आगे भी अगर हम परहेज नहीं किए, अगर हम हिफाजत से नहीं रहे, तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये कोरोना का युद्ध अगर हम जीतेंगे तो हमें हिफाजत करना पड़ेगा, हमें परहेज से रहना पड़ेगा।
कि केवल लॉकडाउन में घर में बंद होना लंबे काल का संभव नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक भी किया, खोला लॉकडाउन को। आर्थिक प्रगति देश का हो, हम आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार न हो जाए, तो आर्थिक आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का 20 लाख करोड़ का पैकेज भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर भारत अगर बनेगा तो बिहार भी आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। आत्मनिर्भर बिहार हम उसको बनाने के लिए आपसे आह्वान करते हैं। हम स्वाभिमानी बिहार, स्वाभिमान और संकल्प के साथ हम आत्मनिर्भर बिहार भी बनाएंगे। इसलिए भारत जहां आत्मनिर्भर की ओर चला है 20 लाख करोड़ के पैकेज में बिहार के लिए, आप सब जानते हैं कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 हजार करोड़ जहां मत्स्य पालन के लिए, मखाना के लिए और ऐसे तमाम जो मधुमक्खी पालन से लेकर के ये तमाम चीजों को बिहार में कैसे हो, घर घर में तालाब हो, मछली अगर आम से आता है तो बिहार से दूसरे राज्यों में दूसरे देश में मछली यहां से जाए, पोखर खुलवाने से लेकर के मत्स्य पालन का काम भी, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो जाए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखा आपने अभी आज भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगुनी हो और उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था किया है। एक देश एक बाजार, एक देश एक बाजार। उसी प्रकार से कि किसान भाई अपना मैं किसान का बेटा। नवगछिया 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरेश भगत के पक्ष में समर्थकों ने किया रोड शो। गोपालपुर विधानसभा लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत के पक्ष में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत ढोलबजा गांव से किया गया तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जुलूस जमुनिया गांव में जुलूस को समाप्त किया गया। दूसरी तरफ मुंबई के डांस ग्रुप द्वारा मनमोहक नृत्य के माध्यम से चुनाव प्रचार भी किया गया और इसी माध्यम से लोगों से वोट की अपील की गई। नवगछिया दूसरे चरण में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। दूसरे चरण में 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा में रविवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार समाप्त होते ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार बज रहे चुनावी गानों के शोर से लोगों को राहत मिली है। अब प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं को 3 नवंबर का इंतजार है। दोनों विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशी को संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इधर प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए नवगछिया SP के निर्देश पर पुलिस के गश्ती दलों को सक्रिय किया गया है, जो हर एक गाँव और टोले मोहल्ले की लगातार टोह ले रहे हैं। नवगछिया मतदान कर्मियों को योगदान के बाद उपलब्ध कराया गया मतदान सामग्री। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को गोपालपुर विधानसभा में
मतदान के लिए मतदान कर्मियों ने अपना योगदान दे दिया है। नौगछा के मदनलिया महिला महाविद्यालय में मतदान कर्मियों ने अपना योगदान दिया। मतदान कर्मियों के योगदान के बाद सभी को मतदान के लिए सभी सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी सह SDO अखिलेश कुमार ने कहा कि गोपालपुर विधानसभा में कुल 401 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्र के प्रेजाइडिंग व P1, P2 व P3 को मतदान सामग्री उपलब्ध करा दिया गया है। मतदान सामग्री उपलब्ध कराने के उपरांत सभी मतदान कर्मियों को संबंधित प्रखंड भेज दिया गया है। सोमवार को सभी मतदान कर्मियों को प्रखंड मुख्यालय से मतदान केंद्र पर भेजा जाएगा। 153 गोपालपुर विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्ति के पूर्व राजपा के प्रत्याशी ने किया सघन जनसंपर्क। 153 गोपालपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने चुनाव प्रचार थमने से पूर्व स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर सघन जनसंपर्क किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के दिल में वो बसने लगे हैं। वे कल भी विधायक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लोग उन्हें विधायक ही मानते हैं और वे लोगों से प्यार पाकर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। बहुत चीज़ों को परखा है, मतदाताओं के मूड को बहुत अच्छी तरह से मैंने परखा और मतदाता निर्णय ले चुकी है, वह अपना रुझान दे चुकी है और हम अपार बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करने के लिए तैयार हैं। मुझे जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और हमारे जो कार्यकर्ताओं का मेहनत है वह मेहनत रंग लाया है और मैं बहुत बड़ी जीत दर्ज करूंगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67 170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया SDPO के नेतृत्व में पूरे जिले में किया गया फ्लैग मार्च। मौके पर SDPO ने कहा, बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, व्यवधान करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जिले में बनाए गए चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच किया जा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी जिले में लगातार गतिविधि कर रही है। वहीं नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम चुनाव को लेकर हर गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रही है। रविवार को SP के निर्देश पर पूरे पुलिस जिले में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस जिले के सभी प्रखंड में SDPO दिलीप कुमार, मुख्यालय DSP असरार अहमद के नेतृत्व में नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास, PCI मुलायम यादव, गोपालपुर थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती, खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, बीहपुर सर्किल इंस्पेक्टर SK चौहान एवं SSB बल के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सर बताया जाए वो यहाँ पर इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हम लोग पूरे जिले में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इसमें हम हैं, पहले DSP साहब हैं, इंस्पेक्टर भूपुर हैं, गोपालपुर इंस्पेक्टर हैं और CAPF बल जो हमारे साथ हैं। तो पूरे जिले में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व हैं वो संभल जाए, कोई तरह का कोई गलती करेंगे तो उनको सजा उसी हिसाब से मिलेगा और आम लोगों में ये विश्वास जगेगा कि नहीं, शांति मतलब पुलिस तत्पर है और उनको वोट देने से किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं। कहाँ से कहाँ तक के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया सर? ये 0 माइल से स्टार्ट करते हुए हम लोग बीपुर चौक गए, बीपुर से बीपुर थाना होते हुए, तेतरी होते हुए सारा मतलब 14 नंबर रोड को पूरा कवर किए हैं, NH को पूरा कवर किए हैं, अभी तेतरी में हम लोग हैं और मतलब कुछ चौक होते हुए फिर गोपालपुर जाएंगे, गोपालपुर थाना एरिया में पूरा करते हुए रंगरा थाना क्षेत्र को करते हुए टाउन एरिया को कवर करते हैं। कितने बल के साथ? लगभग 100 से ऊपर संख्या है बल का, 20-25 गाड़ियों के साथ में हम लोग, क्योंकि पूरे जिले में घूमना है तो पैदल संभव नहीं है क्योंकि समय भी हमारे पास कम है
तो थोड़े समय में सब जगह मैसेज देना है और लोगों में विश्वास कायम करना है कि पुलिस और उनको सहायता के लिए अच्छे शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान के लिए विश्वास जगाना है। नवगछिया योगा एकेडमी के तत्वाधान में एक दिवसीय योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। नवगछिया के ताइक्वांडो हॉल नवगछिया में योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर योग गुरु सत्यम योग संस्कृत मिशन के थे एकेडमी के निर्देशक घनश्याम प्रसाद ने बताया कि शिविर में योग से कैसे अपने आप को फिट रखें इसका अभ्यास कराया गया, जिसके तहत कई आसनों को प्रतिभागी ने किया। मौके पर कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजी, मोनी कुमारी, खेल संघ के अखिलेश पांडे सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगराव पुलिस ने ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब के नशे में हर किसी को गाली गलौज कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक कैला मलिक उर्फ कैलाश मलिक है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रंगरा में एक व्यक्ति शराब पी कर लड़खड़ा रहा है और आने जाने वाले हर किसी के साथ गाली गलौज। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया।